सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है, क्या हड़ताल होगी खत्म? फिलहाल आपको बता दें कि तीसरे दौर की बैठक इस समय चल रही है। इस बैठक में थोड़ा हंगामा भी हुआ है, थोड़ी खींचतान भी हुई है। सरकार और रोडवेज यूनियन के बीच ये बैठक है तीसरे दौर की। दो दौर की बैठक बेनतीजा रही, तीसरे दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन इस बैठक में थोड़ा हंगामा भी हुआ है, थोड़ी खींचतान भी हुई है। बैठक में यूनियन कर्मचारी और अधिकारियों के बीच खींचतान हुई है। रोडवेज कर्मचारी पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर हैं। सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है इस हड़ताल को खत्म कराना। आज मुलाकात के लिए समय निकाला गया, दो दौर की बैठक हुई, लेकिन दोनों दौर की बैठक बेनतीजा रही। अब तीसरे दौर की बैठक चल रही है अधिकारियों के बीच और रोडवेज यूनियन के नेताओं के बीच, लेकिन खबर यह आ रही है कि थोड़ी झड़प, थोड़ी तीखी बहस हुई है यूनियन कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच। अनिल कुमार जुड़ गए हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से। अनिल, खबर यह आ रही है कि बैठक के दौरान किसी बात को लेकर हल्की फुल्की झड़प भी हुई है, नोकझोंक हुई है। जी, सुबह से ही नोकझोंक चल रही है और कर्मचारी जो है अपनी बातें मनवाना चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जो कर्मचारी को भी राहत मिल जाए और जो सरकार है वो समस्या का भी समाधान कर दे। और सरकार चाहती है कि यात्रियों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो लगातार मिलती रहे और यात्रियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए सरकार जो है थोड़ा नरम रुख भी अपना सकती है। एक बारी कर्मचारी नेता मीटिंग छोड़ के चले गए थे और दोबारा बुलाया गया, और इसलिए बुलाया गया कि यात्री जो हैं परेशान ना हो, और बातचीत जारी है और बातचीत में खुल के पक्ष जो है कर्मचारी नेता भी रख रहे हैं और सरकार की तरफ से भी खुलकर पक्ष सामने आ रहा है। जी, पेच कहां फंसा हुआ है, क्योंकि दो दौर की बैठक जब बेनतीजा रही, किस बात पर बात अटकी? जी, आपने वो अधिकारियों की क्लिप भी सुनी होगी और वो बात इसी बात पर अटक रही है कि वो चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट बसें हैं इनको ना चलाया जाए और जो सरकारी जो बसें हैं वो ही चलती रहें। और ये भी कहा है कि जो किलोमीटर स्कीम जो है वो जो पॉलिसी है उसको रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं कर्मचारी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है 5 दिन के जो है वेतन देने के लिए भी तैयार हैं और 1 महीने का साल में वेतन देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जो है बसों का निजीकरण ना किया जाए। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं अनिल। अधिकारियों और रोडवेज यूनियन के नेताओं के बीच ये बैठक हो रही है, दो बैठक बेनतीजा रही है और हर बैठक में नोकझोंक होती रही है। और खबर यह भी आई कि तीसरे दौर की बैठक भी जब शुरू हुई तो नोकझोंक के साथ ही शुरू हुई, पेच फंसा हुआ है। कर्मचारियों की दो मांगे हैं, उनका कहना है कि हम 5 दिन का वेतन देने को तैयार हैं, महीने में 1 दिन का वेतन देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी भी बात सुन ली जाए, निजीकरण ना हो रोडवेज की बसों का, ये मांग है। और किलोमीटर जो स्कीम है उसको भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं रोडवेज कर्मचारी, और एस्मा के तहत जिन पर कार्रवाई हो रही है उसको वापस लेने की मांग इन कर्मचारियों की। लेकिन कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ है, बात नहीं बन रही है, दो दौर की बैठक बेनतीजा रही है और ये तीसरे दौर की बैठक। किसी भी चीज को ठीक है, आप जैसे कर्मचारी वैसे मैं भी कर्मचारी हूँ सरकार, राइट? ठीक है, राइट। आपको जैसे तनख्वाह मिलती है वैसे मुझे मिलती है, मेरे पे स्केल के साथ मुझे मिलते आपके पे स्केल, राइट। रोडवेज विभाग के जितने आप अब जनता के आप हमदर्द की बनने की बात कर रहे हैं और हिमायत की बात कर रहे हैं, 130 करोड़ रुपया तो मैं प्रेस के भाइयों से बता रहा हूँ, और इसका ओवर टाइम का पैसा है जो प्रति व्यक्ति 65,000 रुपए महीने तक हो जाता है, इसमें कोई गलत नहीं कर
इसमें बसों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये जो बैठक हो रही है किसी न किसी बात को लेकर नोकझोंक हो जा रही है। लेकिन वास्तव में बड़ी चुनौती ये अधिकारियों के लिए, प्रशासन के लिए ये है कि किसी तरह से समझाया जाए रोडवेज यूनियन को और ये हड़ताल खत्म हो, क्योंकि 6 दिन बीत चुके हैं और जहां एक और सरकार को भी बहुत घाटा हो रहा है, वहीं यात्री बहुत हद तक परेशान हो रहे हैं, बेहद परेशान, चक्का जाम की स्थिति है। और कल चूंकि सोमवार है, कल से स्कूल भी खुलेंगे, दफ्तर भी खुलेंगे, कॉलेज भी खुलेंगे, यहां तक कि जो लोग हरियाणा से दिल्ली जाते हैं अपने कामकाज के लिए वो भी कैसे जाएंगे अगर यही स्थिति रही। अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, खूब गहमा गहमी का माहौल है, लेकिन डर इसी बात का है कि कहीं डेडलॉक की स्थिति ना बन जाए, क्योंकि अगर इस हड़ताल को खत्म करना है तो किसी एक को नरम पड़ना ही होगा। जी बिल्कुल, सरकार कहीं ना कहीं नरम पड़ी है, जब भी कर्मचारी नेताओं को बुलाया गया है और सरकार चाहती है कि ये समस्या का समाधान हो, और क्योंकि यात्री लगातार परेशानी झेल रहे हैं और अब जो है स्थिति ये पैदा हो गई है कि जो यात्री भी कहने लग गए हैं कि इस जिस तरह से प्रदेश का हाल है, कर्मचारी बार बार हड़ताल कर देते हैं, वो भी चाहते हैं कि बस जो है प्राइवेट बस ऑपरेटर को छुट्टी दे देनी चाहिए, लेकिन सरकार चाहती है कि अब समस्या का समाधान हो, क्योंकि कर्मचारी अड़े हुए हैं और यात्रियों को यात्री जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पा रहे, कईयों को मजबूरी होती है, तो इसलिए सरकार यात्रियों को देखते हुए कहीं परेशानी ना हो वो कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार है, इसलिए पहले दौर की मीटिंग, दूसरे दौर की मीटिंग, अब तीसरे दौर की भी मीटिंग चल रही है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरह कर्मचारी और अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हो रही है, लेकिन सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं आज ये जो है इस समस्या का समाधान हो जाए और यात्रियों को कल से परेशानी ना हो, सरकार की सोच यही है। लेकिन जो कर्मचारी नेता है वो कह रहे हैं कि उनकी दो मांगे हैं, दो मांगे पूरी की जाए, एक तो किलोमीटर स्कीम जो नीति बनाई गई है उसको रद्द किया जाए, और दूसरा जो है चक्का जाम के दौरान सरकार ने जो अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की है उसको वापस लिया जाए। जी, जो कि कल से सोमवार, कल सोमवार है, स्कूल भी खुलेंगे, दफ्तर भी खुलेंगे, कॉलेज भी खुलेंगे, और वो लोग जो कि हरियाणा से दिल्ली जाते हैं कामकाज के लिए उन्हें भी निकलना होगा। ऐसे में लोगों को भी इंतजार है इस बात का कि हड़ताल कब खत्म होगी, क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं और लोग भी बेहद परेशान रहे। जी बिल्कुल, लोगों को काफी पहले ही परेशानी हो रही है और जिस तरह त्योहार का मौसम है, कईयों ने बाहर जाना है, कईयों को कोई दिक्कत है, कईयों ने किसी परिवार का जो है कोई बीमार है तो उसको देखने जाना है, उसकी देखभाल करनी है, और कईयों ने त्योहार के मौसम में जाना है, वो भी कई काम है, और जिस तरह से कर्मचारियों को नौकरियों पर भी जाना है जो प्राइवेट निजी क्षेत्रों में करते हैं, तो ये सारी समस्या काफी हैं और सरकार इसी सोच पर चल रही है कि ये आज समस्या का किसी तरीके समाधान किया जाए और कल से जो है यात्रियों को सुविधा ना हो, इसलिए सरकार भी कर्मचारियों की पूरी बातें सुन रही है। और आप देख रहे हो कि जिस तरह से बातचीत हो रही है, काफी नोकझोंक भी चल रही है, सरकार फिर भी अपना संयम बनाए हुए है, सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं ये समस्या का समाधान निकल जाए और कल से जो है बसें जो है सड़कों पर आ जाए और यात्रियों को कोई परेशानी ना हो।